भैया का पक्ष नहीं लेना है तो क्या भैया का पक्ष नहीं लेना है तो खाली पंजाबी रहेंगे भैया नहीं रहेंगे भैया के बच्चा नहीं है पंजाबी रहेंगे भैया नहीं रहेंगे भैया के बच्चा नहीं है पंजाबी रहेंगे भैया नहीं रहेंगे भैया के बच्चा नहीं है भैये का ही बच्चा है भैये का पक्ष ना लवो जे गवाच गया तो फिर की हो गया ए गल्लां किसने कहियां एमएलए नूं दरअसल ए शख्स थाने विच क्यों रोला पा रहा इसका बच्चा जलंधर के निजातम नगर के सैंट सोजर पब्लिक स्कूल च गया से इसका इल्जाम है कि स्कूल वाले ने फीस पिछे बच्चे नूं प्रताड़ित किया जिस करके बच्चा स्कूलों निकल गया तो तीन दिन बाद अज बच्चा बरामद होया हुण ए शख्स मंग कर रहा है स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करो तो पुलिस है कि स्कूल के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही इस दौरान इसने कहा कि स्कूल वाले ये कह रहे हैं कि भैये का ही बच्चा है आखिरकार इस इल्जाम कितनी सच्चाई है इसका खुलासा तो स्कूल का पक्ष आने तो बाद ही होएगा फिलहाल इस पूरे मामले दे विच स्कूल ने अपना पक्ष नहीं दिता स्कूल मैनेजमेंट कैमरे के सामने नहीं आई आओ तुहानू दिखाने आ कि कुछ कहना है इस शख्स का जिसका बच्चा स्कूल तो गायब हो गया से दैनिक मेल पंजाबी टीवी लई वरिंदर सिंह बच्चा गवाचन तो आप ही परिवारक मैंबर ने लभ लिता ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੱਚਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਸਵੇਰ ਗਿਆ ਥਾ ਸਕੂਲ ਮੇ ਤੋ ਅੰਦਰ ਜੈਸੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀਆ ਬੱਚਾ ਤੋ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਆ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੁਆ ਥਾ ਜੀ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਉਸਕੋ 15-20 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਆ ਬੱਚੇ ਕੋ ਤੋ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ ਸੇ ਮਤਲਬ ਬੈਗ ਉਠਾ ਕਰ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲਾ मगर उसको कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं कोई मैडम नहीं रोका वो बच्चे ने बाहर निकल गया उसके बाद मैं बच्चे बोला कि मैं फीस लेकर आ जिन्होंने बच्चा लवारसा वांगू छड़ता स्कूल वाले ने हाँ जी उन्होंने कोई कार्रवाई की पुलिस ने जी जेडी मैडम का तुसी नाल नहीं नहीं की नाम की जी मैडम का एक मिनट भाजी नाम की मैडम का मैडम मैडम के मेरे को पता नहीं प्रियम प्रियम मैम था ना हाँ प्रियम मैम था प्रिया मैम है हाँ जी तो बच्चा जब गवाच गया था हमें 3 बजे पता चला कि बच्चा जो है वो मतलब हमारा एक छोटा लड़का हुआ था उसने बताया मम्मी वो बच्चा पैसा लेने गया था मेरा भाई वो वापस नहीं आया कितने पैसे की डिमांड कर रहे स्कूल वाले स्कूल वाले 2 महीने फीस रहे 2 महीने का फीस कितनी फीस थी 2 महीने की फीस थी और प्रैक्टिकल के पैसे मतलब की फीस नहीं दी बच्चा बाहर कटता स्कूल का नाम की है स्कूल का नाम की स्कूल का की नाम है स्कूल कितने हैगा नौवीं क्लास नगर स्कूल आप स्कूल वालों ने आपकी कितनी हेल्प की लड़के को हमारा कोई हेल्प नहीं की है मैं अपने बच्चा को खुद खोज के लाई हूँ मेरा बेटा खुद कैसे कैसे भटकते भटकते आया है सुबह फोन किया मुझे 5 बजे कि मम्मी मैं जलंधर सिटी कैंट में नहीं जलंधर कैंट में हूँ तो मैं खुद गई हूँ अपने बच्चे को लेने फिर मैं रास्ते में मैं पुलिस वाले को भी फोन की वो मेरे को साथ में गए थे पीछे से लेने तो मैं उनके साथ ही आई पर अभी तक ना कोई मालक आया देखने कि कैसी हालात में मेरा बेटा है उसकी हालात अभी भी बहुत खराब है उसको मेडिकल की जरूरत है अभी अच्छा जी मतलब बच्चा तो बोल पा रहा है ये दस्या उन्हें कितने गया सी कितने नहीं सारा बताया कितने गया कितने बच्चा स्कूल से निकला और जब आया तो स्कूल से निकला उसको बाहर ना किसी ने कुछ दिया वो खाया उसके बाद कुछ याद ही नहीं है उसको नहीं स्कूल दी इतनी बड़ी लापरवाही नु किवें देखदे हो जी इतनी बड़ी लापरवाही है कि बच्चा निकल के चला गया स्कूल से किसी नु ये नहीं पता कि बच्चा बाहर गया है 3 बज गया मेरे को फोन भी नहीं आया हम तो यही इंतजार में बैठे थे कि मेरा बेटा स्कूल गया है 3 बजे छुट्टी होगा तो आएगा हां जी पर हम 3 बजे तो नहीं आया फिर मैं खोजने लगी अपने बेटे को कि आया नहीं तो मैडम बोला कि बच्चा नहीं आया तो फिर मैं स्कूल गई मैडम कह रहे हैं आज आया ही नहीं युवराज मैं बोली आया है आप कैमरा चेक करो तो कहते हैं कैमरा में लाइव चलता है मैं बोली ऐसा तो नहीं होता कैमरा में लाइव चलती है कैमरा तो होती है पिछला रिकॉर्डिंग के लिए फिर नहीं मतलब कि जे तुसी फीस 1 महीना लेट कर दो या फाइन ना दो मतलब बच्चे नु हर बच्चे ने ऐसे ही कर दे जी ये तो नहीं पता पर हमारे साथ तो किए ना ये पुलिस ने की एक्शन की लिता जी पुलिस ने अभी कोई एक्शन नहीं लिए हैं कोई भी एक्शन नहीं कितना देर हो गया तो ये रहती है हमारे बच्चे अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ देखने तक कोई नहीं आया मेरा गवाच गया सर कि मैं फोन किया बच्चा तो मैं लबा उसको फोन किया था मेरे पास फिर सर कि मैं फोन किया सर जो है वहां पे आया छावनी मतलब पुलिस ने तुसी दसया कि बच्चा इस जगह पे है पुलिस ने आप भी केशन नहीं की थी हमने हम खोजे हैं मतलब बच्चा आप लभ्या तुसी हां जी बच्चा फोन किया मेरे पास ठीक है ना बच्चा जब फोन किया
उसके बाद जो है हमने निकल पड़ा कि मैं जा रहा हूँ बच्चा के लेने, ठीक है। फिर उसके बाद सर को मैं फोन किया, सर बच्चा लग गया, जल्दी आ जाओ गड्डी लेकर। इतनी देर हो गई है, पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? नए सीपी साहब आए जलंधर में, कमिश्नर बदल गए, बहुत इंसाफ दबा रहे हैं। एसएचओ साहब ने एक्शन क्यों नहीं लिया आपका? तीन दिन से बच्चा गायब है, कल ही जलंधर में एक लड़की की जलाकर मौत कर दी गई है, डेथ हो गई लड़की की, पता आपको? मेरे को तो ये पता नहीं है, स्कूल में गई थी। नहीं, अब क्या आप मां क्या करते हो? जब स्कूल गया तो जब बच्चा घर से स्कूल से जब निकला तो मैडम को तो बता देना चाहिए कि हाँ तुम्हारा बच्चा घर गया फीस लेने के लिए, वापस नहीं आया है, हमें तो पता होना चाहिए। और फीस लेना था तो हमारे से फीस लेते, बच्चे के टोर्चर मारने का लोड नहीं है। अच्छा, मारा भी गया बच्चे को? बच्चे का टोर्चर मतलब वही हुआ कि मतलब बच्चे को दबके मार रहे हैं ना पैसे के लिए, ठीक है ना। उससे पहले एक दिन पहले सोमवार को बच्चा को मेरे को 6 घंटा 9 बजे से लेके 9 बजे से लेके 3 बजे तक बच्चे के खड़ा किया। किसने किया? नहीं, कोई प्रेशर है ऐसा जो साहब पर प्रेशर है स्कूल? मैडम ने किया है। क्या नाम है मैडम का? मैडम प्रिया मैडम है, एक सर भी है, ये दोनों। प्रिया मैडम कौन है? एक मिनट, प्रिया मैडम कौन है? प्रिया मैडम स्कूल का ही है। वो ही पैसे मांग रही थी? हाँ जी। अच्छा जी। अच्छा, उसने भी मेरे को वो प्रिया मैडम बोली है कि मैं बच्चे को पास नहीं करूंगा, तुम्हारा 10,000 रुपया लेंगे तो पास करेंगे। ये क्या मतलब? अच्छा, बच्चे को पास भी नहीं करेंगे, धमकी भी दी है। दूसरी बात, ये जो सर चोपड़ा साहब, मैं उसका तो देखा भी नहीं, कैसा चोपड़ा साहब है, अभी मैं जाकर देखूंगा कौन है चोपड़ा, ठीक है ना। उसने बोला है कमिश्नर साहब को, कौन साहब हो, एमएलए साहब के, कि भैया का पक्ष नहीं लेना है। तो क्या भैया का पक्ष नहीं लेना है तो खाली पंजाबी रहेंगे, भैया नहीं रहेंगे? भैया का बच्चा नहीं है, है पंजाबी बच्चा नहीं है। हमारे बच्चे को बोलते हैं कि हमारे को बोलता है कि मतलब उसको पक्ष मत लो भैया के, और भैया है सपोर्ट कर, हाँ, करो। बच्चा गवाच गया तो गवाचने दो, ये क्या मतलब है? अभी हमने क्या एमएलए साहब को ये बात बताए है? नहीं, अब पर्चा दर्ज कर रही पुलिस के, नहीं कर रही, ये बताओ अब दर्ज हो गया है। क्या मांग करते हो आप, किस किस प्रकार की मांग करते हो? मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा को साल का पढ़ाई खराब नहीं होना चाहिए, मेरा बच्चा जैसे पढ़ रहा है पढ़े, ठीक है। दूसरी बात, हमारा बच्चा अगर गवाच गया या कोई बात हो गया, इसका जिम्मेदार स्कूल वाला होगा, ठीक है। हमारा बच्चा आज के दिन से मेरा गवाचना नहीं चाहिए, स्कूल का जिम्मेदारी। स्कूल में पढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो रख रहे हैं आपके बच्चे को स्कूल? अभी कोई गल बात नहीं हुआ, पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे ये नहीं बता सकता हूँ, मगर हम ये कहता हूँ मेरा बच्चा अगर जाए। जो फेल करने वाली बात है ये किसने बोली आपको? प्रिया मैडम। अच्छा, प्रिया मैडम को बच्चे को फेल कर देंगे? फेल करेंगे, 10,000 रुपया लेंगे। आपने ऐसे तो साहब को ये लिखाया उनको कि ये बच्चे कैसे बोल रहे हैं? तो बच्चे की हालात कैसे? अब पर्चे में ऐसे नाम लिखाया उसका, प्रिया मैडम का, कि ऐसे 10,000 रुपया मांग रही थी। हमारा पर्चा पहले बना हुआ, अभी भी पर्चा नहीं बना हुआ, अभी की बात ये निकला हुआ। नहीं, हालात कैसे है अब? है जी, हालात कैसे बच्चे के? अब बच्चे के हालात खराब है जी, हालात भी। बच्चा बोलता है, अभी मेडिकल कराने वाला है, उसको चेक कराने वाला, बच्चा अभी स्थिति में नहीं है, वो सही से बोल नहीं पा रहा है, अभी डरा हुआ बच्चा है। तो बच्चे के ऐसे हालात करने में किसकी वजह समझते हो? ये स्कूल वाले के है, ये है स्कूल वाले के, स्कूल वाले हमारे बच्चे को टॉर्चर मार के हमारे बच्चे को हालात खराब किए हैं जी। हाँ जी, तो पुलिस ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की उनके ऊपर? अब नहीं किए है, वो उनको पता होगा किसी तरीके का। आपको लगता है प्रेशर? बच्चा है भी देखो, बच्चा हमारे पास फोन किया, हमने साहब को बताया, बच्चा भी नहीं लब के दिया। और स्कूल वाला का फर्ज बनता था कि जब हमारा बच्चे एंट्री कर दिया स्कूल में, तो हमारा फर्ज बनता है कि बच्चा जो है हम भी ढूंढे, मगर बच्चा ढूंढे नहीं, उन लोग आराम से रोटियां खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बेड पर लेटे हुए हैं। अभी तक ना कोई मैडम मिला हमसे कि बच्चा कैसा है, कहाँ है, अभी तक नहीं आपको नो मालक मिला है। जो नहीं, मेरी बात सुनो, जब आपका बच्चा आपको मिला, आपको वहाँ आप लेने गए थे या थाने वाले? देखो जी, हमने बच्चा हमारे पास फोन किया, ठीक है, हमने बच्चे को लेने गया, साहब को हमने फोन किया, आपने फोन करा? हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, नहीं अब कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही, क्या कहते हैं? देखो जी, मैं तो पर्चा बनवाया हूँ, करवाई अभी नहीं बता सकता हूँ क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब पर्चा बनवा दिया। आपकी क्या मांग है, किस किस पर कार्रवाई की मांग करी आपने, किस पे कार्रवाई होनी चाहिए? एक कार्रवाई होना चाहिए स्कूल के ऊपर जी। हाँ जी, स्कूल पर कार्रवाई होना चाहिए, प्रशासन है उनको। नहीं, पैसे आपसे किसने मांगे थे? प्रिया मैडम। कितने पैसे मांगे? 10,000 रुपया। अगर दोगे तो बच्चा रहेगा, नहीं दोगे तो फेल कर दिया जाएगा। फेल कर दिया स्कूल कहाँ का? पैसा दे ही। ये स्कूल कहाँ, कौन सी जगह में है? जातम नगर। क्या नाम था स्कूल का? ओ, कैसा नाम है इसका? बच्चा जो है स्कूल से जब निकला है, होश नहीं है कि मैं किधर जा रहा हूँ, साइकिल पर बैठा है, साइकिल से निकला,
उसको कोई पता नहीं, ठीक है, उसको ये भी नहीं पता है कि मैं जलंधर स्टेशन में हूँ कि छौनी स्टेशन में हूँ। गाड़ी चलो अब तो बच्चा आपके पास आ गया, इनकेस नाम मिलता उसके साथ कोई बड़ी अनहोनी हो जाती, उसका जिम्मेवार किसको समझते? इसको जिम्मेदार स्कूल वाले होंगे, स्कूल वाला की जिम्मेदारी है। आप प्रवासी हो शायद, इसके लिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है आपकी, कि आप पंजाब के वासी नहीं हो? वही बात चोपड़ा साहब बोल दिया है, यहाँ का निवास है। कौन है चोपड़ा? हम नाम मालक है स्कूल का। अच्छा जी, हाँ जी, उसकी शह पर होता है ये काम। मैडम क्या पढ़ाती है स्कूल में, उसका काम ही है जी? देखो जी, बच्चा का हमेशा टॉर्चर मारा जाता है मेरे बच्चे के, ठीक है ना, कभी पैसे फीस लेट हो गया तो फाइन लगा देते हैं, फिर उसके बाद अगर फीस टाइम से अगर एक दो दिन लेट होता है फिर भी फाइन लगा देते हैं, वहाँ का ये नियम है। चोपड़ा उसका नाम क्या है, पूरा नाम क्या है? मैं देखो, मैं चोपड़ा जानता हूँ, उनका पूरा नाम मेरे को पता नहीं है, मगर स्कूल का मालक वही है। नाम नहीं पता? नहीं जी, उसका पता नहीं है। ठीक है, क्या नाम आपका? मेरा विनोद बैठा नाम है। ठीक है जी, क्या मांग क्या करते हो? मांग ये करता, हमारा बच्चा है, बच्चा हमारा जिस तरह अब आप अंदर बैठे हो, पुलिस आपसे कार्रवाई करवा रही है, कर रही पुलिस कार्रवाई? सर वो कह रहे जी बड़ा ही प्रेशर है, जेडे की मैनेजमेंट है, जेडे पता नहीं चोपड़ा जी कोई हैगे, कहंदे उन्हां दा प्रेशर है कि कोई बाय नेम एफआईआर नहीं दर्ज कीती जा रही। सर कमिश्नर साहब इन्ना वधिया काम कर रहे है, माहौल सुधर रहा जलंधर दा अपने, पर ए बच्चियां दे नाल इदां दी कल वी इन्नी वड्डी हैपनिंग हो गई है, बाबा खेल देरी दे विच सीनियर अधिकारी भी इत्थे पहुंचे, इन्ना मामला गर्म रहा, शायद बच्चियां नाल कोई इदां दी अनहोनी नहीं, कौन जिम्मेवार सी? ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨੋਟ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੋ ਕਾਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਐਸੇ।